हेलो एवरीवन। सो गाइज़, कई दिनों से न्यूज़पेपर नहीं डाला है। गाइज़, ये 9 तारीख का न्यूज़पेपर है और मैं अभी रात के 2 बजे शूट कर रहा हूँ, यानी कि अगर रात के 2 बज रहे हैं तो मतलब ये 10 तारीख हो गए। टाइम की प्रॉब्लम चल रही है, बिजी चल रहा हूँ, तो अब इसको मैं कल डालूँगा, बट शूट अभी कर रहा हूँ। इसको एडिट करके फिर कल सुबह मैं इसको अपलोड करूँगा। फिर जो 10 तारीख का जो होगा, फिर वो मतलब हमेशा पेंडिंग जा रहा है। एनीवेज, कोशिश करूँगा गाइस। बाकी 8 तारीख बाकी है, 7 तारीख का बाकी है, सब करा दूँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि फॉर्मर जापान PM आबे असैसिनेटेड। कई बार मैंने आपको बताया कि जब भी हेडलाइन में आपको कोई थर्ड फॉर्म दिखाई देता है दोस्तों, तो हम मान के चलेंगे कि ये पैसिव है, और इधर वाला जो सब्जेक्ट है ये हमारा नॉन डूअर है। इसके साथ ये हुआ है, इसने ये नहीं किया है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि राम किडनैप्ड, तो हम ये नहीं समझेंगे कि राम ने किसी को किडनैप कर लिया। हम ये समझेंगे कि राम को किडनैप कर लिया गया, समझ रहे। यानी कि इसका मतलब हुआ, रात को बोला भी नहीं जा रहा, कि राम वॉज किडनैप्ड, राम को किडनैप कर लिया गया। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मुझे लगता है आपको आनी चाहिए। ओके, चलिए, ये रहा। तो ये क्लियर है कि फॉर्मर मतलब भूतपूर्व जापान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर आबे को असैसिनेट का मतलब होता है हत्या कर देना, तो उनकी हत्या कर दी गई। यहाँ पर लिखा है कि सस्पेक्ट सेड, जो सस्पेक्ट है, जिस पर शक है, जिसने ऐसा किया, उसने कहा कि ही हैड अ ग्रज। ग्रज का मतलब है कि आपको कोई शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको कोई प्रॉब्लम थी, शिकायत थी अगेंस्ट आबे के खिलाफ। किस मुद्दे पर? तो ओवर हिज लिंक्स विद अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर आबे हैं, उनका कोई लिंक रहा होगा किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उस चीज़ पर इस बंदे को जिसने गोली चलाई उसको आपत्ति थी, कोई ग्रज था, ऐसा उसने पुलिस को बयान दिया। तो पुलिस ने कहा, से पुलिस है, तुम से को सेड समझेंगे, ठीक है। न्यूज़पेपर में कई बार आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाई देता है, तो हम उसको कंप्लीटेड समझते हैं। अब आगे देखते हैं गाइस। देखिए, यहाँ लिखा है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, अब यहाँ पर एक कॉमा है, यहाँ पर लिखा है कि जापान्स लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर, ये देख रहे हैं, और फिर यहाँ पर कॉमा है। ये जो इतना सा आइटम हम देख रहे हैं ना, जापान से लेकर और ये लीडर तक, ये फ्रेज है, इसको एपोजिशन कहते हैं। एपोजिशन का मतलब है एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो फॉर्मर मतलब भूतपूर्व, तो पहले के जो प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, जो कि जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर है, सबसे ज़्यादा उन्होंने मतलब एक लीडर रहे हैं, सबसे ज़्यादा दिन उन्होंने काम किया है, डाइट। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, तो इनकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। डाइट, वो मर गए, कब? ऑन फ्राइडे को उनकी डेथ हो गई। कब हुई? फ्राइडे को हुई। किस चीज़ के बाद हुई? तो आफ्टर बीइंग शॉट का मतलब खुद गोली, उनको गोली लग गई, उन्होंने किसी को नहीं मारा, गोली लग गई। तो बीइंग का ये मतलब होता है कि आप ही के ऊपर बात आ जाएगी। बीइंग शॉट, गोली लगने पर, वाइल कैंपेनिंग फॉर अ पार्लियामेंट्री इलेक्शन, कैंपेन कर रहे थे पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए, कैंपेन मतलब अपना भाषण वाषण दे रहे होंगे, उस वक्त उनको गोली लग गई जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, देखिए, एक तो जो बीइंग है, बीइंग के साथ अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देती है दोस्तों, जैसे मैं अगर बोलूँ कि बीइंग ड्रंक, तो खुद पीकर, यू नो, पीकर, बीइंग ड्रंक, पीकर, बीइंग इंसल्टेड, यानी कि इंसल्ट होकर, तो उसी तरीके से है। अगर मैं बोलूँ कि बीइंग स्लैप्ड, थप्पड़ खाकर, तो बताइए बीइंग शॉट, गोली खाकर। समझ में आ रहा है? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। उस ऊपर से फिर एक वाइल है, वाइल के साथ अगर वर्ब में ING आ जाए, यू नो, इसका मतलब होता है किसी काम को करते समय, जैसे कि खाना पकाते समय, तो कैसे बोलेंगे, वाइल कुकिंग फूड, कपड़े धोते समय, वाइल वॉशिंग क्लोथ्स। बाकी आप कोई भी सेंटेंस बनाइए, कपड़े धोते समय मैं कुछ सोच रहा था, वाइल वॉशिंग क्लोथ्स आई वॉज थिंकिंग समथिंग, हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए फटाफट करते हैं गाइस। अब यहाँ पर लिखा है कि अ मैन ओपन्ड फायर, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कि अ मैन ओपन्ड फायर ऑन मिस्टर आबे, मिस्टर आबे पे उसने गोली चला दी।
अब यहाँ एक एक कॉमा और यहाँ दूसरा कॉमा, यहाँ लिखा है 67, इसको भी अपोजिशन में ही डालेंगे। मिस्टर एबे के बारे में बता रहे हैं कि उनकी उम्र क्या थी, तो 67 साल के थे वो, 67 ईयर्स ओल्ड थे। तो गोली चला दी फ्रॉम बिहाइंड, यानी कि पीछे से, फ्रॉम भी लगेगा बिहाइंड भी लगेगा, फ्रॉम बिहाइंड विद एन अपेरेंटली होममेड गन। अब जिस गन से चलाई, तो उसके लिए देखिए प्रेपोजिशन क्या होता है, आप अगर चाकू गन किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो प्रेपोजिशन आपको विद लगाना होता है। जैसे आप पेन से लिखते हैं तो राइट बोलेंगे ना, आई राइट विद पेन, आप से के चक्कर में फ्रॉम मत लगा देना, तो विद लगता है। तो किस चीज़ से मारा, विद एन अपेरेंटली होममेड गन, होममेड गन है। अपेरेंटली का मतलब होता है कि ऐसा ऊपर से देखने में लग रहा था कि वो होममेड था, अपेरेंटली मतलब देखने में कैसा लग रहा था, है ना। तो अपेरेंटली होममेड गन था। एज ही स्पोक एट अ ड्रैब ट्रैफिक आइलैंड इन द वेस्टर्न सिटी ऑफ नारा। अब ये पूरा एक जगह का नाम है कि ऐसा उस गुंडे ने बोला, एज ही स्पोक, कहाँ बोला, इस जगह पे बोला, ड्रैब ट्रैफिक आइलैंड इन द वेस्टर्न सिटी ऑफ नारा। नारा कोई जगह होगा उसके इस एरिया में बोला, ये उसका नाम है भाई। कॉमा, जैपनीज मीडिया शोड अर्लियर, जो जैपनीज मीडिया ने पहले दिखाया भी था। तो ये टोटल हो गया। आगे देखिए, इट वॉज द फर्स्ट असैसिनेशन ऑफ अ सिटिंग और फॉर्मर जैपनीज प्रीमियर सिंस द डेज ऑफ प्री वॉर मिलिटेरिज्म इन 1930s। क्या समझे इसमें, इट वॉज द फर्स्ट, यानी कि ये सबसे पहला था, और फर्स्ट से पहले द आर्टिकल लगता है, याद रखिए द फर्स्ट। तो इट वॉज द फर्स्ट असैसिनेशन, ये पहली हत्या थी किसकी, ऑफ अ सिटिंग, या तो सिटिंग जो रूली, जो रूल में हो, जो बरकरार प्राइम मिनिस्टर हो, और फॉर्मर या जो भूतपूर्व जापान के प्रीमियर, प्रीमियर का मतलब क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर, जो मेन नेता होता है उसको प्रीमियर कहते हैं, ठीक है। तो ये पहला असैसिनेशन था, पहली एक हत्या थी किसी की इस तरीके से, चाहे वो फॉर्मर हो या सिटिंग हो। सिंस कब से, सिंस द डेज ऑफ प्री वॉर मिलिटेरिज्म इन 1930, 1930 में कुछ रहा होगा प्री वार मिलिटेरिज्म, वार से पहले कुछ ऐसे मार देते होंगे, कुछ रहा होगा, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो 1930 से देखें तो ये पहला एक टाइम था कि ऐसे किसी प्रीमियर को मार दिया, प्रीमियर मतलब प्राइम मिनिस्टर को मार दिया। अब यहाँ लिखा है कि स्पीकिंग बिफोर मिस्टर आबेज डेथ वॉज अनाउंस्ड, प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा कंडेम्ड द शूटिंग इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया गया, मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ गाइस कि न्यूज़पेपर का एक स्टाइल हो गया है, जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि स्पीकिंग कुछ भी, यहाँ पर स्पीकिंग क्या था, स्पीकिंग बिफोर। तो अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ कि स्पीकिंग बिफोर हिज डेथ अ कॉमा राम सेड, राम ने कहा, तो उसके डेथ से पहले बोलते हुए राम ने कहा, यू नो, इस तरीके से स्टाइल है। जैसे कि लुकिंग एट द पिक्चर, लुकिंग एट द पिक्चर कॉमा माय फ्रेंड सेड, यानी कि पिक्चर को देखते हुए मेरे फ्रेंड ने कहा, तो एक न्यूज़पेपर का स्टाइल होता है। तो स्पीकिंग मतलब बोलते हुए, बिफोर मिस्टर आबेज डेथ वॉज अनाउंस्ड, यहाँ पर पैसिव भी हो गया कि मिस्टर आबे का जो डेथ अनाउंस किया गया, तो अनाउंस किए जाने से पहले बोलते हुए, स्पीक करते हुए। अब यहाँ पर आ गया कोमा के बाद, प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा कंडेम्ड, उन्होंने कंडेम किया यानी कि बुराई करना, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, तो निंदा की किसकी, शूटिंग की, मतलब उस जो शूटिंग हुई है, जो गोलीबारी हुई है उसकी निंदा की, इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कुछ नाम रख के कुछ वैसा बोला होगा, मतलब बहुत ज़्यादा निंदा की है। जापानीज पीपल एंड वर्ल्ड लीडर्स एक्सप्रेस्ड शॉक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल है, देखो जापानीज पीपल, जापान के लोग, एंड वर्ल्ड लीडर्स, और जो वर्ल्ड के जितने भी लीडर्स है, तो ये आपका सब सब्जेक्ट हो गया, एक्सप्रेस्ड आपका वर्ब है, तो इन्होंने एक्सप्रेस किया शॉक, शॉक को अपना जाहिर किया, दिखाया, एट द वायलेंस, ये जो हिंसा हुई है, इन अ कंट्री, एक कंट्री में जो हिंसा हुई है उस पर अपना शौक दिखाया, इन विच, जिसमें पॉलिटिकल वायलेंस इज रेयर, एक ऐसी कंट्री जिसके अंदर, देखो इन विच का मतलब था जिसमें पॉलिटिकल वायलेंस, जो पॉलिटिकल जो हिंसा होती है, इज रेयर, बहुत रेयर है, गन्स आर टाइटली कंट्रोल्ड, गन भी बहुत कंट्रोल में, तब भी ऐसी घटना घट गई। यहाँ जो आप देख रहे हैं, जैसे गन्स आर टाइटली कंट्रोल्ड, इस तरह के जो आते हैं ना कंट्रोल्ड, इज थर्ड फॉर्म, इसको एडजेक्टिव कहते हैं, मतलब आर के साथ, इज के साथ आपको दिखाई देंगे, तो पैसिव जैसे लगते हैं बट ये एडजेक्टिव होते हैं, मतलब
मैं थोड़ा बहुत आपको बताते चलूँ जो एडजेक्टिव्स तो एडजेक्टिव होते हैं आपके वर्ब थर्ड फॉर्म वाले। जैसे मैं बोलूँ कि एक सबसे पुराना एग्जांपल है कि द चेयर इज़ ब्रोकन, यू नो, तो इज़ के साथ थर्ड फॉर्म है, मतलब कुर्सी टूटी हुई है, तो एडजेक्टिव होता है, यू नो। जैसे कि द चाइल्ड इज़ इंजर्ड, बच्चा जो है वो जख्मी है, तो ये सब थर्ड फॉर्म है। द हाउस इज़ बर्न्ड, घर जो है वो जला हुआ है। तो उसी तरीके से गन्स आर टाइटली कंट्रोल्ड, गन्स जो है कंट्रोल में है। दिस अटैक इज़ एन एक्ट ऑफ ब्रूटैलिटी, मतलब ये जो अटैक हुआ है एक ब्रूटैलिटी का मतलब होता है कि एक बोलते हैं निर्दयता से आप किसी का कुछ कर देते, बहुत ही निर्दय से। तो ब्रूटैलिटी का एक एक्ट है, एक जो ये कार्य है ब्रूटैलिटी को दिखाता है। दैट हैपेंड, जो हुआ ड्यूरिंग द इलेक्शंस के दौरान हुआ। अब इलेक्शन के बारे में लिखा है कि द वेरी फाउंडेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी, हमारे डेमोक्रेसी का सबसे जो वेरी का मतलब थोड़ा फोर्स डाल रहा है कि सबसे बड़ा जो फाउंडेशन है, जो बिल्कुल आधार है डेमोक्रेसी है, उसके दौरान, इलेक्शन के दौरान, वो इलेक्शन ही मतलब कि डेमोक्रेसी का आधार है। इलेक्शन नहीं होगा तो कैसे हम डेमोक्रेसी, हम कैसे सरकार चुनेंगे, और उसके दरमियान ही किसी को कोई गोली मार देता है। एंड इज़ एब्सोल्यूटली अनफॉरगिवेबल, और ये बिल्कुल एब्सोल्यूटली सरासर अनफॉरगिवेबल है, इसको माफ़ नहीं किया जा सकता, सेड मिस्टर किशिदा ने कहा। ठीक है, फिर कॉमा के बाद लिखा है कि स्ट्रगलिंग टू कीप हिज इमोशन इन चेक। ये देखिए, ये यही मैं आपको सिखा रहा था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये करते हुए, स्ट्रगलिंग मतलब स्ट्रगल करते हुए, क्या स्ट्रगल कर रहे थे, टू कीप हिज इमोशन इन चेक। कीप इन चेक का मतलब होता है कंट्रोल में करना, तो अपने इमोशन को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, और ये बात कही, मतलब भावुक हो गए होंगे। अ फायर डिपार्टमेंट ऑफिशियल हैड सेड, कुछ फायर डिपार्टमेंट ऑफिशियल होगा, उसने कहा कि मिस्टर आबे अपीयर्ड टू बी इन अ स्टेट ऑफ कार्डियक अरेस्ट। उनको देखकर ऐसा लग रहा था, मिस्टर आबे को देखकर, अपीयर मतलब लगना, प्रतीत होना, कि वो, उनको दिल का अटैक हो गया, यू नो, इन अ स्टेट ऑफ कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक की अवस्था में लग रहे थे। व्हेन एयर लिफ्टेड टू हॉस्पिटल, जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया एयर लिफ्ट करके, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि हार्ट अटैक आ गया उनको। ठीक है, अब देखिए, जो अपीयर होता है, अपीयर टू बी अगर आप लगा देते हो, तो होता क्या, अगर मैं कहता हूँ कि यार, उसको देख कर लगता है कि वो उदास है, तो या तो मैं ऐसे बोलूँगा ना कि इट appears दैट ही इज़ sad। इसको मैं ऐसे भी कह सकते कि ही appears टू बी sad। हालांकि सीम का वही मतलब है, यहाँ पर appear लिखा है तो मैं appear बता रहा हूँ, तो ही appears टू बी sad, उसको देखकर लगता है उदास है। तो इसी तरीके से है, past कर दिया तो appeared कर दिया, ही appeared टू बी, उनको देखकर लग रहा था कि वो थे, किस अवस्था में थे, इन अ स्टेट ऑफ कार्डियक अरेस्ट, दिल का जो दौरा पड़ जाता है उस अवस्था में थे। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स इन नारा नेम्ड, देखिए इतना बड़ा आपका सब्जेक्ट है, सीनियर से लेकर नारा तक, अब है नेम्ड, उसने नाम रखा, द सस्पेक्ट, यानी कि सस्पेक्ट का जो नाम है वो बताया, नेम्ड सस्पेक्ट एज अनएम्प्लॉयड 41-year-old टेट्सुआ यामागामी, यानी कि उसने बताया कि ये, इसका नाम है टेट्सुआ यामागामी, ये अनएम्प्लॉयड है, नौकरी नहीं है, 41 साल का है। फिर कॉमा करके लिखा है कि हु सेड, अब ये हु कौन है देख लेते, हु सेड ही हैड यूज्ड अ हैंड, यानी कि हु ये है, ये जो यामागामी जो गुंडा है ना, इसी के बारे में यह हु है। ये हु क्या, रिलेटिव प्रोनाउन है, और इससे जो वाक्य बनता है ये एडजेक्टिव कहलाता है, और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है। बात होगी कि उसका नाम है यामागामी, अब वो यामागामी के बारे में मुझे एक और इन्फॉर्मेशन देनी है, तो मैं रिलेटिव प्रोनाउन लगा करके क्लॉज बना दूंगा कि हु सेड, जिसने कहा, ही हैड यूज्ड, जिसने इस्तेमाल किया था एक हैंडमेड गन को, हाथों से ही गन बना लिया था। दैट्स द सस्पेक्ट्स असर्शन, दैट्स मतलब ये जो है वो सस्पेक्ट का एक स्टेटमेंट, असर्शन का मतलब है कि आप जोर देकर कहते हो कि हाँ वो हैंडमेड गन था। एंड वी हैव डिटरमाइंड का यहाँ पर मतलब है पता लगाना, हमने पता लगाया है दैट द गन इज़ क्लियरली हैंडमेड इन अपीयरेंस, कि देखने में, अपीयरेंस का मतलब जो अपीयर होता है, जो दिखता है उसमें, वो साफ साफ हैंडमेड ही लग रहा है। ऑल दो मतलब हालांकि, आर एनालिसिस इज करेंटली गोइंग, हालांकि हमारी जो
जो विश्लेषण है, जो हम जो चीज़ों को परख रहे हैं, वो अभी करेंटली ऑनगोइंग है, वो चलते हुए में है, मतलब चल रहा है, तब भी हमें ऐसा लगता है कि वो हैंडमेड। एन ऑफिसर टोल्ड रिपोर्टर्स, ऑफिसर ने रिपोर्टर से कहा, द सस्पेक्ट स्टेटेड, पास्ट इंडेफिनिट है कि सस्पेक्ट ने कहा, स्टेटमेंट दिया, क्या दिया, दैट ही हेल्ड अ ग्रज, होल्ड का हेल्ड हो गया कि उसको एक ग्रज था, एक शिकायत थी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, एंड दैट ही कमिटेड द क्राइम, और उसने इस क्राइम को अंजाम दिया बिकॉज ही बिलीव्ड, उसको ऐसा लगता था, ऐसा मानता था कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एबे हैड कनेक्शन टू इट, कि जो अबे हैं, आबे जो भी इनका, सॉरी मैं अबे, मतलब हिंदी में इसको आबे बोलेंगे, मैं इंग्लिश में थोड़ा अबे बोल रहा हूँ, आबे है अब इनका पूरा नाम, एक्चुअली जैपनीज नेम थोड़ा सा मुश्किल मेरे लिए होता है, चाइनीज या जैपनीज नेम, तो मुझे आप करेक्ट कीजिएगा, शायद मुझे आबे बोलना चाहिए। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आबे हैड कनेक्शन टू इट, यानी कि इनका उस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन था, ऐसा उस खूनी को लगा, और खूनी को इससे प्रॉब्लम थी तो मार दिया, द ऑफिसर सेड, ऐसा पुलिस वालों ने कहा। द पुलिस डिक्लाइंड टू गिव डिटेल्स ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, डिक्लाइन का मतलब होता है एकदम रद्द कर देना, हटा देना, नहीं देंगे, पुलिस ने साफ साफ ठुकरा दिया, क्या करने से, टू गिव डिटेल, डिटेल देने से, किसका डिटेल, प्रेपोजिशनल फ्रेज देखिए, ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का जिससे उस खूनी को लगता है कि भाई उनका नाता था और मार दिया, उसका डिटेल नहीं दिया पुलिस ने। सेइंग, कहते हुए, इन्वेस्टिगेशंस वर गोइंग ऑन, यहाँ जो वर है ये एक्चुअली नैरेशन की वजह से वर आया है, वो इज आर एम को वाजवर में बदल दिया जाता है, तो ये कहते हुए कि जो इन्वेस्टिगेशन है, जो तहकीकात है, वो चल रही है, बट सेवरल जापानीज मीडिया, लेकिन बहुत सारे जो जापानीज मीडिया हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं, डिस्क्राइब्ड, उन्होंने व्याख्या कर दिया, बता दिया इट, इस ऑर्गेनाइजेशन को एज अ रिलीजियस ग्रुप, कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन, इसको किस रूप में डिस्क्राइब किया, एक रिलीजियस ग्रुप है, एक धर्म से रिलेटेड कोई ग्रुप होगा, धार्मिक ग्रुप। ऑफिसर्स इन प्रोटेक्टिव गियर, कुछ ऑफिसर्स, पुलिस वाले, इन प्रोटेक्टिव गियर का मतलब है कि गियर मतलब कपड़े, हेलमेट वेलमेट नहीं होता है, प्रोटेक्टिव मतलब जो पहन लेते ऊपर से कि कहीं चोट ना लगे, कोई हमला करे तो बच जाए, तो प्रोटेक्टिव गियर पहनकर जो ऑफिसर्स थे, बिगेन सर्चिंग, ढूंढना शुरू कर दिया, किसको, द सस्पेक्ट्स होम, उस सस्पेक्ट के होम को, एंड कॉन्फिस्केटेड, कॉन्फिस्केट का मतलब था जब्त करना, और जब्त कर लिया सेवरल हैंडमेड गन लाइक आइटम, हाथों से बने हुए गन जैसे कुछ आइटम थे, सबको कॉन्फिस्केट कर लिया। द सस्पेक्ट, फिर कॉमा, या हु है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे जो वर्क बनेगा वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा, और वो इस सस्पेक्ट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देगा, ये सब्जेक्ट है, इसका वर्ब कहीं और होगा, बट बीच में ऐसा देते हैं, ये जो सस्पेक्ट है, हु एड्रेस्ड पुलिस, जिसने पुलिस को संबोधित किया इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वे, ये ना मैटर ऑफ फैक्ट, ये जो इतना सा वर्ड है ना, ये वो मैटर ऑफ फैक्ट नहीं है कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वो नहीं, मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब यहाँ पर है कि मतलब इमोशनलेस, आपके चेहरे पे कोई भाव नहीं है, यू नो, यानी कि अगर आप कोई न्यूज़ देते हो कि अरे सुनो सुनो उसका एक्सीडेंट हो गया, तो आप घबराए रहोगे ना, आपने बोला सुनो उसका एक्सीडेंट हो गया, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो इसको बोलते हैं मैटर ऑफ फैक्ट वे। तो वो सस्पेक्ट हु हैड एड्रेस्ड पुलिस, जिसने पुलिस को सब कुछ बताया, संबोधित किया इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वे, एकदम कोई इमोशन के साथ नहीं, एकदम ब्लैंक, तो उस सस्पेक्ट ने टोल्ड ऑफिसर्स ने कहा कि ही हैड वर्कड फॉर द मैरीटाइम, मतलब जो समुद्र से रिलेटेड, उसने काम कर रखा है, या जो हैड है, इस हैड को हम हैज समझेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट समझेंगे, क्योंकि नरेशन में हैड हो जाता है, तो उसने काम कर रखा है किसके साथ, मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स में, यानी कि जापान का जो नेवी है उसमें काम कर रखा है फॉर 3 साल के लिए, फ्रॉम 2002 से, बट दीज डिटेल्स आर ऑल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन, बट ये जो डिटेल्स है ये भी इन्वेस्टिगेशन के अंडर में है, ठीक है। यामागामी, यानी कि जो गुंडा, ऑल्सो टोल्ड द पुलिस, उसने पुलिस को ये भी बताया कि ही हैड लर्न्ड अबाउट मिस्टर आबेज विजिट ऑनलाइन, यानी कि लर्न मतलब पता चलना, यहाँ तो उसको पता चला कि मिस्टर आबे का जो विजिट है होने वाला है वो ऑनलाइन उसको पता चला, ऐसा ऑफिसर ने कहा। अब देखिए, मिस्टर आबे वाज मेकिंग अ कैंपेन स्पीच आउटसाइड, ओके, मेक अ स्पीच, स्पीच के साथ मेक लगा है, डिलीवर भी आता है, तो मिस्टर आबे जो है वो कैंपेन का स्पीच दे रहे थे आउटसाइड अ ट्रेन स्टेशन के बाहर, व्हेन टू शॉट्स रैंग आउट, रिंग आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है जोर से आवाज आना, तो दो गोलियों की जोर से आवाज आई, अराउंड 11:30 AM, सुबह के 11 बजे लोकल टाइम के जो लोकल टाइम था,
सिक्योरिटी ऑफिशल्स वर देन, अब सिक्योरिटी जो ऑफिशल्स थे वर देन सीन, अब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, उनको देखा गया क्या करते हुए, टैकलिंग अ मैन इन अ ग्रे टी शर्ट, एक आदमी को टैकल कर रहे थे, हैंडल कर रहे थे, पकड़ रहे होंगे, हाथापाई हो रहा होगा, जो किसमें था, इन अ ग्रे टी शर्ट पहना था एंड बेज ट्राउजर, बेज मतलब मुझे लगता है ब्राउन टाइप होना चाहिए, ब्राउन टाइप ट्राउजर पहना होता। अर्लियर पहले क्योडो न्यूज़ सर्विस पब्लिश्ड अ फोटोग्राफ, कोई न्यूज़ सर्विस उसने फोटोग्राफ को पब्लिश किया ऑफ मिस्टर आबे, मिस्टर आबे का फोटो था। अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल लाइंग फेस अप, जो कि लेटे हुए थे फेस अप, चेहरा ऊपर था यानी कि पीठ के बल लेटे होंगे, ऑन द स्ट्रीट, गली में, देखिए गली के लिए ऑन का इस्तेमाल हुआ प्रपोजिशन, ऑन द स्ट्रीट पीपल वर क्राउडेड अराउंड हिम, लोग भीड़ के रूप में थे, क्राउडेड यहाँ पर क्राउडेड हमारा एडजेक्टिव है, जैसे मैं बोलूँ कि पीपल वर इंजर्ड वैसे पीपल वर क्राउडेड, वो भीड़ का शक्ल ले चुके थे, अराउंड हिम वन एडमिनिस्ट्रिंग हार्ट मसाज, एडमिनिस्टर का मतलब होता है कोई मेडिकल सुविधा देना, तो कोई हार्ट मसाज कर रहा होगा, तो ऐसा उनको, ऐसा एक फ़ोटो पब्लिश किया था क्योडो न्यूज ने, उस फोटो में दिख रहा था। तो बस ख़त्म हो गया गाइस, जो भी पढ़ाने लायक था मैंने पढ़ाया, सो थैंक यू वेरी मच, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको मेंटेन करूँ, थैंक यू गाइस। ठीक है, तो कितने मिनट का वीडियो हो गया, 2 बजे शूट करना शुरू किया था, 22 मिनट का हो गया गाइस, नाउ आई फील लाइक गोइंग टू बेड, सो मैं इसको फिर भी एडिट करके और तभी एडिट कर देता हूँ, अपलोड कल होगा। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।